अस्सलाम वालेकुम। बैरियर टाउन कराची से रियल स्टेट से मुतल्लिक कुछ जनरल डिस्कशन करना मकसद है। बेसिकली किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी जब आप परचेज़ करने जा रहे हैं बैरियर टाउन के अंदर या अदर देन बैरियर टाउन एनी वेयर इन पाकिस्तान, कहीं भी आप रियल स्टेट में डील कर रहे हैं, तो मैं कुछ जनरल चीज़ें हैं जो डिस्कस करूँगा और मशवरे के तौर पर भी आपके सामने रखूँगा कि कोई भी प्रॉपर्टी जो आप बुकिंग में ले रहे हैं तो बुकिंग का तो चलें एक अलग तरीकाकार है कि आप मतलब यू विल बी कंसिडर एज द फर्स्ट ऑनर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी और आप उसके फर्स्ट ऑनरशिप होगी और इनिशियल स्टेज से आप ले रहे हैं, फ्रेश बुकिंग ही आपके पास है, उसके अंदर कोई खुदा ना खास्ता कोई चीज़ नहीं होगी। उसको परखने के लिए कि ये बिल्डर्स कौन हैं, प्रोजेक्ट कौन लोग कर रहे हैं, कौन सी हाउसिंग सोसाइटी है और अगर अपार्टमेंट ले रहे हैं तो कौन बनाएगा, घर ले रहे हैं तो कौन बनाएगा, ये वाली चीज़ें तो मतलब एक अलग चैप्टर है, इसको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब आप कोई प्रॉपर्टी रीसेल में ले रहे हैं तो आपको क्या क्या काम करने चाहिए, तो चंद एक काम है जो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना आपका बुनियादी काम है, उसकी प्राइस को निगोशिएट करना उसका सेकेंड यानी बात आ जाएगी। सबसे पहले आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करने जा रहे हैं आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पूछें, सवालात करें कि डॉक्यूमेंटेशन में जब तक आपको प्रॉपर्टी बेचने वाला खुद स्ट्रांग नहीं है तो वो आपको भी सेफ एंड सिक्योर नहीं बना सकेगा जब तक वो डॉक्यूमेंटेशन में खुद स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग होने से ये मुराद है कि इन केस ऑफ परचेजर, अगर आपने परचेज़ करनी है कोई प्रॉपर्टी तो आप फर्दर पार्टी से, डीलर से, एजेंट, जो भी आपके कंसल्टेंट आप उनसे उसके फ़ोटो कॉपीज़ क्लेम करें या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंगली किसी भी सोसाइटी में आप जाएंगे जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट पे ली होती है प्रॉपर्टी उसकी एक अकाउंट स्टेटमेंट जनरेट होती है, बुकिंग फॉर्म होता है, अलॉटमेंट लेटर होता है, एलोकेशन होती है, इस तरह की सारी चीज़ें होंगी, तो उन चीज़ों को आप वेरीफाई करें, देखें और फिर ये भी देखें कि सारी इंस्टॉलमेंट्स टाइमली जमा हुई हैं। अगर टाइमली जमा नहीं हुई तो ऑब्वियस बात है कुछ सरचार्ज, फ़ाइन या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कोई पेनल्टी है, वो आप पे नहीं करेंगे, वो प्रीवियस पार्टी यानी प्रीवियस ऑनर जो है उसको क्लियर करने के बाद फर्दर प्रोसीड करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके नॉलेज में होनी चाहिए, आपने क्लियर करनी है। और इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी उसके अंदर मतलब उसकी टोटल प्राइस जब आप डिस्कस करने जा रहे हैं तो उसकी टोटल प्राइस का मतलब कि उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड है, डेवलपमेंट चार्जेस है या कोई और कोई हिडन चार्जेस इस तरह के आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ओपनली यानी खोल खोल के बातों को डिस्क्राइब करें और अगले को पुश करें कि अगला भी उस सारी बातों को यानी ओपनली डिस्कस करें, कोई भी चीज़ हिडन ना रखें। अब हिडन चार्जेस के अंदर जो मैक्सिमम चीज़ें आ जाती हैं जिसमें बाद में कस्टमर्स परेशान होते हैं, खैर पे तो कर ही देते हैं बेचारे, लेकिन फिर बाद में वो डिस्कस कर रहे होते हैं, ऐसे कमेंट्स देते हैं जो सुन के ही बड़ा अजीब लगता है कि इनको प्रॉपर गाइड क्यों नहीं किया गया। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, एक होती है कॉस्ट ऑफ लैंड, फिर डेवलपमेंट चार्जेस अगर कोई अप्लाई होते हैं तो आपको बताने चाहिए, बीइंग एन एजेंट आप अपने कस्टमर को ज़रूर बताएं, और फिर फर्दर कैटेगरी चार्जेस, कोई पोजेशन चार्जेस हैं, यूटिलिटी चार्जेस हैं, कोई मेंटेनेंस चार्जेस हैं, वहाँ किसी भी सोसाइटी में रेगुलर बेसिस पे जो आप चार्जेस पे करेंगे सफाई सुथराई के लिए, मेंटेनेंस के कामों के लिए और सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए, कोई भी चार्जेस जो आपके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं वो एज ए रियल स्टेट एजेंट आपको चाहिए कि आप अपनी पार्टी को, अपनी उस कस्टमर को उनको लाजमी बताएं, क्योंकि जो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, वो लोग ये ज़रूरी समझते हैं कि वो आपके पूरे रियल स्टेट से मुतल्लिक कोई भी प्रोसीजरल बात आउट ऑफ द वे जाके कोई और बंदा उनको बताए जो आपने नहीं बताई, तो वो उनको अजीब लगेगी कि भाई हमारे एजेंट ने हमें ये क्यों नहीं बताई। हालांकि ये सारी नॉर्मल बातें होती हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हमारे एजेंट जो शायद कम कॉन्फिडेंस रखते हैं या चीज़ों को मुनासिब चीज़ों को भी गैर मुनासिब तरीके से बता के उन चीज़ों को सस्पिशियस बना देते हैं, तो ये एक तरीकाकार मुनासिब नहीं है। इसमें मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस, कैटेगरी चार्जेस। अब कैटेगरी चार्जेस क्या होते हैं, एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस क्या होते हैं, कुछ चीज़ों का कस्टमर्स को मतलब बाय डिफ़ॉल्ट पता होता है, लेकिन कुछ चीज़ों में कस्टमर
बिल्कुल आपसे ये सुनना चाहते हैं कि मुझे ये डिस्क्राइब किया जाए किस चीज़ के चार्जेस हैं। तो अब कैटेगरी से मुराद है कॉर्नर, पार्क फेस या मेन बुलेवार्ड, यानी बड़ी सड़क अगर आपके घर के बाहर से गुजर रही है तो आपको उसके चार्जेस पे करना पड़ेंगे। और 10% ऑफ द बुकिंग प्राइस नॉर्मली किसी भी सोसाइटी में चार्ज किए जाते हैं। नॉर्मली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैक्सिमम सोसाइटीज़ में ये लिए जा रहे हैं पाकिस्तान में, जहाँ पे मतलब लोग मुझे जानते हैं या मैं जिन लोगों के साथ रबते में हूँ। बैरिया टाउन भी ले रहा है, DHA भी ले रहा है, और लाहौर में लेक सिटी है, यहाँ पर जितना स्कीम 33 है, या कोई भी कराची में इस तरह से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो यहाँ पे लोग ये कैटेगरी चार्जेस आपसे चार्ज करते हैं। फिर इसके बाद आ जाती है एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस के। अगर बैरियर टाउन में वैसे ये रिवायत है, और किसी जगह पे शायद इस तरह की है या नहीं वो बात की बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं कि कोई 10 मरले का या 250 गज़ का प्लॉट है और आप उसके अंदर ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, जब उसकी डिमार्केशन की गई तो आपको पता चला कि इसमें 50 गज़, 10 गज़ या 5 गज़ भी ज़मीन ज़्यादा है, तो वो एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस के तौर पर आपको पर गज़ के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो ये वाली सारी चीज़ें जब तक हमने अपने कस्टमर को नहीं बताई, तो एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें उस डिबेट या बेबुनियाद बहस का हिस्सा बनती हैं, जिस पे आपका टाइम वेस्ट होता है और कस्टमर का ट्रस्ट ख़राब होता है। अब इसके बाद जो ट्रांसफ़र फ़ी अप्लाई हो रही है, जो टैक्स अप्लाई हो रहा है, वो भी आपको बताना चाहिए। कमीशन आप 1% ले रहे हैं, 0.5% ले रहे हैं, आप 2% ले रहे हैं, वो जो भी आपका कमीशन होगा आपको क्लैरिटी के साथ इन रिटर्न फॉर्म अपने कस्टमर के सामने रखना है कि ये कमीशन चार्जेस, सर्विस चार्जेस मैं आपसे लेने का हकदार हूँ और ये चार्जेस आपने पे करने एट द टाइम ऑफ दैट ट्रांसफ़र। और उसी कमीशन चार्जेस के एवज आप उसको पूरी सर्विसेज दे रहे हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी जिम्मेदार हैं, और आपने उनको ये इसकी प्रॉपर्टी सिलेक्शन के अंदर भी हेल्प आउट किया हुआ है, रिसर्च के दौरान भी आपने हेल्प आउट किया हुआ है, तो खैर ये सारी चीज़ें आपका हक बनता है। इसके अलावा जो सरचार्ज वगैरह की मैंने बात की वो ज़्यादा बेहतर है। ट्रांसफ़र के प्रोसेस क्या होगा, पे ऑर्डर किसके नाम के बनेंगे और सेल डीड कैसे बनेगी। सेल डीड के लिए कुछ कस्टमर्स बजिद होते हैं कि हमें चाहिए, और कुछ जो है वो नॉर्मल होते हैं कि अच्छा अगर नहीं भी हमें मिलती, अगर यहाँ की प्रैक्टिस नहीं है तो हमें ना दें। लेकिन मेरा ये मशवरा है सब दोस्तों के लिए, कस्टमर्स के लिए भी और रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए भी, कि आप लोग अपनी पार्टीज़ को लाजमी इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताएँ और उनको गाइड किया करें, उनको ये दें। और कस्टमर्स के केस में भी मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोगों को ये लाजमी रिकॉर्ड के तौर पर रखना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ दिस कि आपने वो कहीं FBR में, इनकम टैक्स में या कहीं जमा करवाना है या नहीं जमा करवाना, लेकिन वो आपके पास रिकॉर्ड के तौर पर होना चाहिए कि आप एक प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और उसकी एक सेल डीड प्रॉपर बनवाएं, और वो एफिडेविट पेपर्स के ऊपर बनती है, उसका प्रॉपर प्रोसीजर, पेमेंट की ट्रेल आपके पास होती है बैंक में, जब पे ऑर्डर्स बनते हैं या पेमेंट्स जो है वो निकलवा रहे होते हैं, तो उस टाइम भी बैंक मैनेजर्स भी आपसे ये डिमांड करते हैं। तो लिहाजा कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क में अप्लाई होती जा रही हैं, तो इन चीज़ों को अगर आप अभी से करना शुरू कर देंगे तो आने वाले टाइम में आपको ये परेशानी का बाइस नहीं बनेंगे। तो इसके अलावा जब कोई भी प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र हो रही होती है, तो प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र करवाना, उसके मतलब उस SOPs को, उन बाय लॉज को फॉलो करना जो उस ऑर्गेनाइजेशन के हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बैरिया टाउन में काम करता हूँ, तो बैरिया टाउन में मुझे ट्रांसफ़र लेने के लिए NDC अप्लाई करना पड़ता है, NOCs लेने पड़ते हैं, या उसकी कोई भी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो ट्रांसफ़र डिपार्टमेंट या इनके टैक्स डिपार्टमेंट, FBR के काउंटर्स बने हुए हैं, या इनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट से क्लैरिटी के साथ सारी चीज़ों को लेके चलना है, या इनका जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वहाँ से NOCs लेनी है इन केस ऑफ रेजिडेंशियल और इवन कमर्शियल या रेडी प्रॉपर्टीज़। तो हर किस्म की NOCs लेना हमारे एजेंट्स जो आपको सर्विसेज दे रहे हैं उनका काम है, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों की अपनी अपनी जगह बहुत अहमियत है, क्योंकि कस्टमर जब ट्रैवल करके आ जाते हैं और फिर लोग यहाँ सोचते हैं कि हमारे पास ये फ़लाँ NOC नहीं है या यहाँ पर फ़लाँ डॉक्यूमेंट हमारे पास मिस हो गया है, सिर्फ उसे एक छोटे से डॉक्यूमेंट की वजह से हमारी ट्रांसफ़र रुक गई है या हमें दोबारा ट्रैवल करना पड़ेगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा हर्ज होता है। तो आप लोगों को ये चाहिए कि अपनी फाइल वर्क को स्ट्रॉन्ग करें, डॉक्यूमेंटेशन में आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें इन केस ऑफ बाइंग और सेलिंग इन बोथ वे। फिर जब आप टोकन दे रहे होते हैं, आप 10% टोटल अमाउंट का टोकन देते हैं या स्मॉल अमाउंट ऑफ टोकन, कंडीशनल टोकन क्या होता है, कंडीशनल टोकन का मैं यहाँ वजाहत कर दूँ कि जब आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं और ड्यूरिंग दैट डिस्कशन आपको वो कंडीशनल टोकन देना पड़ता है। सम टाइम ये कंडीशनल टोकन जो है वो अगर आपका आपके टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक कोई रेट डिसाइड नहीं हो रहा
या टाइमलाइन डिसाइड नहीं हो रही या ट्रांसफ़र का टाइम डिसाइड नहीं हो रहा, तो ये सारी चीज़ों की वजह से अगर किसी वजह से आपकी डील फाइनल नहीं होती तो आपका वो कंडीशनल टोकन आपको वापस मिल जाता है। तो ये मार्केट में कॉमन प्रैक्टिस के तौर पे जो चीज़ें हो रही हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन जब आपकी वो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन पे चीज़ें भी हो रही हैं और फिर आप अपनी डील को बैक करना चाहें एक दफ़ा कंफर्मेशन के बाद, तो फिर प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर मार्केट के कुछ अच्छे बुरे रूल्स हैं जो अप्लाई करने पड़ते हैं या होते हैं हर किसी के ऊपर, एनी हाउ अप्लाई हो जाते हैं, तो उसमें समटाइम हमें भी वो डस खानी पड़ती है, समटाइम कस्टमर को ऐसे ट्रबल फेस करने पड़ते हैं। अभी दोनों केस में चीज़ें होती हैं, समटाइम एजेंट्स परेशानी का बाइस बनते हैं कस्टमर्स के लिए, और समटाइम कस्टमर जो हैं वो डील करके जब मुकर जाते हैं तो फिर एजेंट्स के लिए भी परेशानी का बाइस बनते हैं। तो इस तरह फिर एक सीरीज़ ऑफ कमिटमेंट होती है, एक चेन ऑफ कमिटमेंट होती है जो हर्ट होती है, एक एजेंट के बाद दूसरा एजेंट, और एक एजेंट के आगे दूसरी पार्टी है, और पार्टी के आगे फिर कोई एजेंट है। तो या अगर एक सिंपल हम रखें कि दो एजेंट्स और दो पार्टीज़ हैं, तो ये चार जगहों पे जो कमिटमेंट्स हुई हुई हैं ये कम से कम डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए मेरा मशवरा ये है कि जब भी आप कोई भी डील करें, प्रॉपर्टी के अंदर डील करें, डॉक्यूमेंटेशन में स्ट्रॉन्ग कर लें, अपनी उस प्रॉपर्टी का विज़िट लाजमी कर लें जो प्रॉपर्टी आप परचेज़ करने जा रहे हैं, ट्रांसफ़र का प्रोसेस समझ लें, हिडन कॉस्ट जो भी आ रही है उसको ओपनली आप ज़रा ब्रीफिंग दिलवा लें या ले लें, और अपनी रिसर्च के बाद किसी भी प्रॉपर्टी को आप फाइनल करें। तो बहरहाल मज़ीद वीडियोज़ हमारे इसी यूट्यूब चैनल से पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से आपको मिलती रहेंगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। थैंक यू सो मच।